Khush Aamdeed everyone! This is Haider Kazmi. And this is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi Asian Idiot. अगेन तुम नाम काटने वाली थी कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में काट दूं चलो ठीक हो गया वेल आज हम सबका फेवरेट चैनल R2H यस के थ्री बैचलर्स के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे पर वो तीनों हैं ही थ्री बैचलर्स ही हैं लेकिन इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया गया थ्री बैचलर्स सो दैट्स फॉर द वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए अरे निकालें तीनों भाड़ुओं को बाहर कुछ जरा बहन के लोड़े बॉर्डर छू प्रमोशन अच्छा ये कैसे बप्पी लहरी बन रही है साले हिपस्टर पे वीडियो बना रही हूँ साले बॉस ने इधर जॉब से निकाल दिया तुझे हिपस्टर की पढ़ ली है क्या है हिपस्टर ये अबे हिपस्टर एक सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें भी प्रमोशन जहाँ पे लोग अपनी वीडियो डालते हैं फिर लोग उनको फॉलो करते हैं अबे तो इससे हमें क्या मिलेगा साले सबको मिलेगा इस पे चलिए फ्लेम चैलेंज अपनी वीडियो बना के डाल जिसके सबसे ज्यादा इस पे फ्लेम होंगे उससे मिलेगा 8-13 तारीख के बीच में एक MI का फोन सही में और तो अभी डाउनलोड करूं बढ़िया ऐप है यार हिपस्टर मैं गार्ड आ गया बस ये इतना दर्द से चैंपियन हुआ जब पहली बार जिम ज्वाइन करा अबे 49 मिनट का छुट्टी है कोई बात ना यार दोबारा कर लेंगे अरे ना जिम मैं बता रही हूं अपन तीनों की गलती है ही नहीं उस नई सेक्रेटरी ने क्या कहा था बता क्या उसने तो यही कहा था कि कौन लेगा सबसे पहले बस यही तो नाजिम बस यही तो नाजिम बस अबे ओ बता क्या था क्या अबे बस नाजिम यही तो उसने कहा सेक्रेटरी ने कौन सबसे पहले लेगा ये छोड़ गए उस पे उसने कहा था सबसे पहले कौन प्रोजेक्ट लेगा खैर छोड़ो सारी नौकरियां लोंडियाबाजी की वजह से खत्म हुई अपनी ओए वसीम लोंडिया देख रही तूने देखा मुझे आले गला घोट दूँ प्यार हो गया फूका हुआ निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी क्या बाइक से प्यार में हाथ क्या लंडी को नाजिम प्यार में नसें कटती है नसें तो फिर इसकी नस काट ले अबे तूने देखा क्या है अबे निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ उसे कौन है उसका जिम्मेदार अबे 120 की स्पीड से तो निकल के गई है देखा ही क्या तूने उसमें तूने क्या देखा था उसकी जो ऑरेंज कलर की जूती थी उस पर जो नग था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसके बाएं पैर की जो बद्दी थी वो भी टूटी हुई थी उसमें भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया देख जैन मैं तुझे बताता हूँ लोंडिया मुझे ही देख रही थी कैसे बताऊँ देख ए लोंडिया खड़ी थी 30 degree के एंगल पे है ना तो एरिया ऑफ लोंडियाबाजी क्या होता है 1/2 लोंडे इंटू लोंडिया है ना ये तो भीड़ में लगा फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे लगा चल दूसरा लगा ले कुल मिला के एरिया जो मिल रहा था तो 90 degree के एंगल पे पेड़ है पेड़ से टकरा के बस इन 30 degree पकड़ा था तू 90 पे मैं 45 पे तो कुल मिला के मिल गया देख रही थी वो यार तूने ये सारी वैल्यू घटा दी गोलगप्पे के ठेले पे लगाया वाली वैल्यू जो लगाई जी उस लड़की का जो बाएं पैर की बद्दी टूटी हुई थी ना वो रोल गोल्ड की थी आजा पहले हिसाब ही कर ले घर को आजा ना जी कि लड़की ने किसे देखा है डर को आजा थ्योरी ऑफ लोंडियाबाजी समझाया तो मैं लैंड स्क्रीन पे सवाल किया था ये बताओ लोंडिया का स्क्वायर बराबर लोंडिया का स्क्वायर माइनस दो लोंडे अब लोंडिया थी अकेली में नाजिम अगर उस लड़की से प्यार हो गया ना तो एक जोड़ी जूती जरूर दिलानी है यार उसे ये मजे ले रहा है पूरा स्टार खुलवा दिया उसके लिए पहले हिसाब में निकल गया तेरा नाम यहां को आजा भी अल्बर्ट लैंड स्क्रीन ने क्या गया एरिया ऑफ लोंडिया इक्वल टू 2×2 से लोंडे की गुणा कर दी सही है हम तीन जने खड़े थे वहाँ पे लोंडिया का एंगल 30 बना अब यहाँ को आ जाओ जैन से जैन कट गया नाजिम से नाजिम कट गया बचे दो जैन अब दो जैन से एक वसीम कट गया लोंडिया इक्वल टू जैन अब हिसाब में कोई गड़बड़ी हो तो भैया दोनों बता दो यार जैन मुझे तेरे हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी लग रही है यार निकला भाई अबे हिसाब गलत है तो गलत है साले कहाँ का गलत है फॉर्मूला गलत लगा रही है लोंडी स्टीन का अबे साले फॉर्मूला गलत मान लिया तू क्या सोच रहा है लोंडिया साइड नहीं होगी मुझसे अबे 38 साल के बुड्ढे सलमान खान से 5-6 साल छोटे होगा लोंडिया पटा के दिखाऊंगा तुझे और तुझे साले कादर खान के साथ कंचे खेलने वाले इंसान मूवी आज जब रिलीज हुई तब भी 40 साल का था ये सालो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आदमी हो तुम तूने ना लिया लोया तूने ना बिकवाया उन्हें 3 kilo निकला तेरे सामने पूरा लोंडिया सेट करके दिखाऊंगा एक महीने में मैं तुझे दिखाऊंगा लोंडिया सेट करके एक महीने में कुछ देर लोंडिया पटेंगी अबे मिलो एक महीने के बाद मैं देख लूंगा दोनों को है तुझे भी देख लूंगा किधर है क्लास
गुड मॉर्निंग गांडू लोंडिया सकल जी गांडू लगो दोनों ऐसे कह रहे मुझे गांडू तुम दोनों कह रहे हो गांडू तुम तीनों गांडू हो आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या क्या लाते हैं आईआईटी बस बस यही तो बस यही तो सर बता तो जाओ बस यही तो आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ तो गांडू क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा बच्चा गांडू हुआ आप भी गांडू हो फीस पहले ले हुआ तो बच्चों सुन लो 30 दिन का कोर्स है अगर 28-25 दिन में जिसने किया वो बच्चा गांडी कहलाया अरे बच्चों मेरी बात तो सुनो बैठो सर गंडी बनने थोड़ी आए हैं पढ़ाई करने आए हैं अरे मेरे बेटे गंडी मत बनो आप 30 दिन में पूरे सेट करो लोंडिया जल्दी मत करो गंडी नहीं कहूंगा ये तो एक श्रद्धा है इस कोचिंग सेंटर की जो टॉप मारता है सर ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर बहुत असली नाम लग रही है मुझे पता था तू जरूर पूछेगा सकल से ही भाड़ू लग रहा था तू मुझे साले फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है ए जो करता है आपके लिए इसी प्रकार एन नहीं के लिए और डी डीयू के लिए नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर तो इससे हम बनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी सुन रहे क्वेश्चन है सर लड़की अगर भीड़ वाले इलाके में है या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक क्वेश्चन वाकई में शानदार है मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ भीड़ में जो लगेगा B=4AC और जो राजीव चौक का आप पूछ रहे हो उसमें 200 गुणा कर दो भीड़ की बस 4AC यहाँ पे आपका सी जो है भीड़ है ए जो है आपका सब्जेक्ट है फीस पूरी ले लूंगा बेटा भीड़ की यहाँ पे 200 गुणा इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटी हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे पहले बद्दी लगेगी फॉर्मूला बाद में लगेगा और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर रैप तो बड़ी दोबारा तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे एक महीने में आपके सातों के सातों आपको करने पड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोंडिया वेलोसिटी ऑफ लोंडिया बाजार में लोंडिया मॉल में लोंडिया और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीस इसमें होगा वैसे तो जरूरत ही क्लास में लेकिन पैसा फिर भी होगा सर की बच्चा सर मैं कुछ कहना चाहता हूं हां बेटे बताओ सर मैं बाजार में लोंडिया नहीं छोड़ूंगा सर अब तेरे बाप को लगाऊं तू तो कोचिंग क्यों पाया अंकल जल्दी से स्कूल पाओ बहुत ही कमजोर बच्चा तुम्हारे पढ़ाई में जी मास्टर साहब बताइए क्या बात थी अरे अंकल आपका लड़का साफ मना कर रहा है बाजार में लड़की छेड़ने को कल कला को ये फेल हो जाएगा मेरे कोचिंग का नाम बदनाम होगा गांडू का नाम बदनाम होगा अपने बाप का नाम ऐसी बदनाम करेगा तू मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला अरे अंकल यही तो इम्पोर्टेंट है बाजार वाला इसमें से 4 नंबर का अलग ही रखा मुझे ये बता दो ये लड़का अगर लड़की ये छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा फीस पूरी ले लूंगा तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्यों भाई क्या दिक्कत आ रही है लोंडिया क्यों छेड़ेगा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा मेरा बाप भी छेड़ेगा नाम बदनाम करा दे हमारा तो तू मार्केट में बदनाम तो अंकल आप हो गए और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे गांडू नहीं अब इससे पूछ लो ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा पूछो इससे क्योंकि लास्ट बार पूछ रही हूँ छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं हाथ बहुत धोली आज भाई लू कई रिजल्ट एक महीने बाद मिल लिया है रिजल्ट अबे लोंडिया खुद पढ़ा लेता हूँ खुद और जो मास्टर पढ़ा रहा था ना तुम्हें उसे खुद कोचिंग दे रही हूँ मैं आज साले लोंडिया से बोर हो गई हूँ बस इतनी पढ़ा दी मैंने और यहाँ तो कोई लोंडिया की गिनती नहीं है सेम लोंडिया ने मुझे देखा मुझे देख के गई उस बार तो नाइक की जूती पहन रही थी साले निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ आ जाए साफ कर लो
मुझे देखा वो तो जहन तो फौरन हिसाब कर लेना वसीम भी करे नाजिम क्या है नाजिम क्या है निगाहों से घर छोड़ कर आया हूँ उसने निगाहों में आई लव भी बोल दिया मैंने भी बोल दिया ऊपर से टीचिंग क्लासेस भी थी ना उससे कहा क्या रहा था ये फॉर्मूला है गया अभी इसमें फीस पूरी लोगों को पता था बेवकूफ बना रहा हूँ उनको वेल फनी कंटेंट था बहुत मजा आता है थोड़ी बहुत बैचलर्स लाइफ बताई है इसमें छड़ू छड़ू की जिंदगी की मतलब औरतें लड़कियां ताड़ रहे होते हैं इस तरह और आपस में लड़ने बहस करने लग जाता है कि इसने मुझे देखा या मैंने उसको देखा उसका ये रंग था पर जो का पार्ट की कुछ थोड़ा बहुत रियलिटी में होता है कुछ इनमें ज़्यादा बना के फनी तरीके से पेश किया है इसने मजे का कंटेंट था थोड़ी पुरानी वीडियो थी है, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी बल्कि आजकल हमें रिक्वेस्ट R2H की तो पुरानी हो नहीं हो R2H की तो R2H की तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि यार R2H सो हम डेफिनेटली रिएक्ट करते जाएंगे इस वीडियो का कौन सा सीन आपको फेवरेट लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि मोस्टली लोग नहीं करते मिलियन से ऊपर हमारे व्यूज हो गए थैंक यू सो मच बट आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो देखते पूरे हो तो सब्सक्राइब भी किया करो या तो वीडियो के लाइक शेयर तो हो गया सो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ओके टेक केयर।